ठीक है, अमंग द डिफरेंट टॉपिक्स जो आपने अब तक देखे इन लॉजिक फैमिलीज, ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, इसका नाम है सीमॉस लॉजिक फैमिली। जी प्लीज आइए। इसका नाम है सीमॉस लॉजिक फैमिली। मेटल ऑक्साइड, इसका जो नाम है कंप्लीमेंट्री, इट मींस दैट इस लॉजिक फैमिली के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक उससे हम 2 मिनट के लिए इसको रिलेट करेंगे। अच्छा, अगर मैं इस लॉजिक फैमिली का स्ट्रक्चर बनाऊं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पी मॉस एंड एन मॉस। अच्छा, पहला सवाल ये है कि पी मॉस क्या है और एन मॉस क्या है। ठीक है, जो सी मॉस फैमिली है इसकी एक्चुअली पेरेंट फैमिली है जिसका हम कुछ नाम कहेंगे मॉस फैमिली, दैट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लॉजिक फैमिली। ये जस्ट आपके आइडिया के लिए, असल टॉपिक ये है। तो मॉस के अंदर फिर आता है आपका एन मॉस और पी मॉस। इस एन मॉस का अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो दैट विल लुक लाइक दिस। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, इसके पास एक गेट टर्मिनल होता है और ये आपका हो गया ड्रेन, ये आपका हो गया सोर्स। वेयर से डिजाइन के लिए जो आगे के टॉपिक्स है उसमें मॉस काफी अहमियत रखता है, बल्कि आजकल की जो फैब्रिकेशन होती है मोस्टली, या तो आप देखेंगे टीटीएल फैमिली या आप उसमें देखेंगे मॉस फैमिली या सी मॉस फैमिली। ठीक, खैर ये एम मॉस हो गया। इसका सिंपल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सो दिस इज गेट, दिस मे बी योर सोर्स, दिस मे बी योर ड्रेन टर्मिनल। ठीक है, तो अगर आप उसको ऐसे बनाए ये हो गया। ठीक, अच्छा पी मॉस का इस तरह अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो PMOS का जो स्ट्रक्चर है, सिंस यहां पे ये रीजन N प्लस, समझते हैं आप N प्लस, आपने 12th में पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर्स, N टाइप एंड P टाइप, डू यू रिमेंबर? N टाइप सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, P टाइप सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें चार्ज गैप्स होते हैं होल्स। एग्जैक्टली राइट। तो ये P मटेरियल है, ये दो N प्लस का मतलब हो गया हाईली डोप्ड रीजन। ओके, तो यहां पे N प्लस के बदले P प्लस होता है और ये होता है आपका N टाइप। यहां पे चैनल बनती है इन दो के दरमियान, यहां पे चैनल बनती है इन दो के दरमियान। एंड दिस इज योर गेट, दिस इज योर ड्रेन एंड दिस इज योर सोर्स। इसका जो सिंबल होता है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट देन दिस, वी जस्ट हैव अ बबल इन फ्रंट ऑफ द गेट, बाकी सोर्स और ड्रेन आपका सेम है। You might see different symbols for this P type and N type in the literature. All are acceptable, right? अच्छा, coming back, अब तक आपको knowledge मिली N MOS क्या है और P MOS क्या है, ठीक? तो अगर मैं कोई function use develop करना चाहता हूँ, for example, Y is equal to A bar, मुझे खाली N MOS से बनाना है, तो that means उस structure में, I repeat, अगर मुझे y is equal to a bar implement करनी है using n mos only, suppose उसका जो भी structure बनता है simple ही मैंने कहा, तो वहां पे rather बना ही लेते हैं। तो suppose मैंने a दिया और मैं output यहां से ले रहा हूं y, and this is your ground। तो देखिए जरा, मैंने a को 0 दिया,
ओके ये भी लिख लेते हैं, जब गेट पे होता है जीरो, दिस ट्रांजिस्टर इज एन ऑफ कंडीशन, दैट इज ओपन सर्किट। जब गेट पे होगा आपका वन, दिस इज ऑन, दैट मीन शॉर्ट सर्किट। डू यू फॉलो दिस? आपको समझ आ रहा है? दिस इज सेम एज जिस तरह से आपने अब तक बीजेडी को पढ़ा ना, आपके एनमॉस का ऑपरेशन सेम है जिस तरह से आपने अब तक बीजेडी को पढ़ा कि जब गेट में हम एक लॉजिक वन देते हैं तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और इट इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट। जो मैंने परसों आरटीएल में देखा, ठीक है, सो सेम अप्लाइज देयर। और अगर हम सेम इन्वर्टर बनाना चाहें तो ए मैंने जीरो दिया, आइसोपोर प्लीज, ए मैंने जीरो दिया, ट्रांजिस्टर क्या होगा या बल्कि एन मॉस क्या होगा, ए मैंने जीरो दिया, यहां पे लिखा हुआ है गेट पे जब जीरो आएगा ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ। ऑफ हो गया, देयर इज नो पाथ बिटवीन द आउटपुट एंड ग्राउंड, देयरफॉर वीडीडी अगर प्लस 5 वोल्ट है वो हमारे आउटपुट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लगा देंगे इनपुट ए दिया जीरो, आउटपुट आएगा 1, दैट, ठीक। तो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर यूजिंग एन मॉस। आप इससे मैं नैंड गेट भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं, कुछ नहीं करना है। यहां पे मैंने एक और गेट लगा लिया इसके पैरेलल में, उसको दिया इनपुट बी, एंड यू कैन वेरीफाई कि वाई पे कौन सी फंक्शन इंप्लीमेंट हुई थी। आपको समझ आई? लास्ट टाइम आपने आरटीएल से भी बनाया था नैंड गेट, याद है? याद देखो, रिवाइज कर लेना। बोलने का मतलब ये है कि एन मॉस से मैं तो एन मॉस फैमिली यूज कर रहा हूँ अपना सर्किट बनाने में। अगर मैं एन मॉस एक टाइप ऑफ मॉस है, एन मॉस ही खाली यूज कर रहा हूँ सर्किट बनाने में, तो जो भी ट्रांजिस्टर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, एन टाइप। इसी तरह अगर मैं पी मॉस लॉजिक फैमिली यूज कर रहा हूँ कोई भी सर्किट बनाने के लिए, तो उसमें जो डिवाइस होंगे वो होंगे खाली पी मॉसेस या पी। जब हम अब अपने टॉपिक पे जब आए, जब हम CMOS की बात करते हैं, तो when you go back to our CMOS logic family, for CMOS what we have at hand is, it is a combination of PMOS and NMOS. That means अगर हमें एक सिंपल एग्जाम्पल दे लेते हैं इन्वर्टर, इन्वर्टर मतलब यही वाला ए बार में चाहिए आउटपुट, तो एक सीमॉस फैमिली में एक पीमॉस भी लगेगा और एक एनमॉस भी लगेगा, और ए हम यहां से लेंगे, वाई हम यहां से लेंगे, दिस विल बी योर ग्राउंड, दिस विल योर वीडी, वीडीडी बोले इसको या वीसीसी बोले, ऐसी के प्लस वाई एनमॉस। तो जरा चेक करते हैं इसको क्या इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है कि नहीं। देखिए ए, इसको हम लिखेंगे सपोज T1, इसको T2, ठीक, या सीधे लिखिए इसको PMOS एंड दिस इज योर NMOS। सो इनपुट है ए, हम PMOS की कंडीशन लिखेंगे, NMOS कंडीशन लिखेंगे और आउटपुट वाई लिखेंगे, ठीक है। मैंने ए दिया है जीरो, अच्छा यहां तो मैंने आप लिखा ही नहीं, एक पॉइंट भूल गया है। जिस तरह से आपका एनमॉस आइसोपोर प्लीज, आपके एनमॉस के लिए जब आप इनपुट ए लेते हैं वन, तो ये क्या हो जाता है ऑन, हां वेल, जब आपने इनपुट दिया वन NMOS वाला हो जाता है ऑन, और जब आप इनपुट देते हैं जीरो NMOS हो जाता है ऑफ। आइसोपोर PMOS के लिए जब आपने इनपुट दिया वन, ये हो जाता है ऑफ। समझ रहे मेरी बात? इसका उल्टा है, PMOS के लिए जब आपने इनपुट दिया वन तो ये हो जाएगा ऑफ, ऑफ मतलब ओपन सर्किट। जब आपने इनपुट दिया जीरो तो ये हो जाएगा ऑन, ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो वही करते हैं, मैंने इसे क्या इनपुट दिया है, कम ऑन बी, मैंने इनपुट क्या दिया है जीरो, पी मॉस की कंडीशन क्या होगी, पी मॉस की होगी ऑन,
एन मोस क्या होगा और क्यों होगा क्योंकि वही ए इसको भी जा रहा है। सो आउटपुट पे देख रहे हैं, आउटपुट पे वैल्यू क्या आएगा जरा आप बताइए। आउटपुट पे वैल्यू आएगा जीरो। कैसे देखिए आउटपुट बाय डिफॉल्ट समझिए आप चार्ज है। आउटपुट डिस्चार्ज तभी होगा जब उसको कोई पाथ मिलेगा ग्राउंड की तरफ। अगर आउटपुट ग्राउंड कोई पाथ नहीं मिल रहा है आउटपुट इज ऑलवेज हाँ किधर की बात कर रहे हैं यहाँ ये वन जब होगा तो ऑन होगा जी जब होगा तो ऑफ होगा लेकिन एन मॉस के लिए हमारे पी मॉस के लिए गेट जब जीरो है तो वो ऑन होगा गेट जब वन होगा तो ऑफ होगा। ठीक है इस तरह से भी याद रख सकते हैं ना बबल ये पी मॉस है ये पी मॉस के लिए ये एन मॉस के लिए। तो जो कि CMOS है, it's a combination of your PMOS and NMOS, therefore it will have, you will have to check for both of them. Output क्या आएगा? मेरा NMOS जो है, वो off है, power चलता है, उसको नहीं है, public है, मतलब there is no power between output and ground. You get my point? बेटा आप सुनो, मेरा ये वाला transistor off है, तो मतलब मेरे output ground तो कोई power नहीं है। समझ आ रहा है? उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? That current या वोल्टेज को फ्लो करने के लिए है डिस्चार्ज होने के लिए कोई पाथ नहीं है वो मत डिस्चार्ज होगा उसको ये कंटिन्यूअसली चार्ज कर रहा है और ये वाला ऑन है तो क्योंकि डिस्चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं मैं थक गया लेकिन फिर भी ये इसको कंटिन्यूअसली चार्ज करता जाएगा। एग्जैक्टली जब तक डिसिपेट करने के लिए कोई पाथ नहीं मिलेगा वो स्टोर रहेगा। अब दो मिनट के लिए चार्ज नहीं हो रहा है डिस्चार्ज नहीं हो रहा है मतलब दैट विल कंटिन्यू जब तक उसको कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं मिलेगा डिसिपेट होने के लिए तब तक ये मेंटेन रहेगा। तो यहां पे आउटपुट हमारा आ गया 1। अब हम इनपुट पे देते हैं 1। इनपुट पे हमने 1 दिया जरा आप बताओ जो आप सामने बैठे हो इनपुट मैंने 1 दिया 1 दिया पीमॉस ऑन होगा या ऑफ होगा ऑफ होगा आपको समझ आया पीमॉस हमारा ऑफ होगा ए है 1 हमारा एनमॉस क्या होगा So, जब मेरा PMOS ऑफ है तो एक चार्ज ही नहीं हो रहा है तो जीरो है तो जीरो ही रहेगा। अगर कोई चार्ज था भी बाय चांस कहीं से कहीं पास में आ गई तो ये हमारा ऑन हो गया NMOS तो सारा जो चार्ज हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा वो इस ग्राफ से। देखो आप इस आपको इसका लॉजिक समझ आया? These are some reasons इससे अब सवाल उसका आपका सर इसमें एक्स्ट्रा करंट से लगा रहे हो तो एक से हो रहा है तो दो से हो रहा है लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ट्रेड ऑफ इन डिजाइन वी यूज अ टर्म ट्रेड ऑफ राइट। आप यहां पे इस टाइम अपना टाइम दे रहे हैं लेकिन आपने ट्रेड ऑफ किया आपने धूप न सेक के क्लास में बैठे सर्दी बर्दाश्त की सो आपने एक ट्रेड ऑफ किया उससे आपको फायदा होगा। आपने ये टॉपिक ऐसे समझ लिया आपको समझ तो ट्रेड ऑफ इज अ डिसीजन व्हिच यू व्हेन यू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ समथिंग व्हेन यू सैक्रिफाइस वन पैरामीटर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पैरामीटर से फॉर एग्जांपल आई टेल यू दैट देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एरिया एंड इनपुट इंपीडेंस। इनपुट इंपीडेंस बहुत बढ़ जाती है इसकी व्हिच इज अ गुड पैरामीटर फॉर योर डिवाइस उससे आपका थ्रेशोल्ड भी ठीक ठाक रहेगा। दूसरा पावर डिसिपेशन इसकी बहुत कम है। अच्छा वन ऑफ द रीजन लिखिए तो पॉइंट Since there is proper separation, इससे हो क्या रहा है देखिए जब मेरा आउटपुट पे जीरो आना है आई एम बोल जब मेरे आउटपुट पे जीरो आना चाहिए ना जैद तो क्या हो रहा है मेरा ये पाथ टोटली डिस्कनेक्ट हो रहा है ना क्योंकि यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा सप्लाई आएगी सो इस बेस पे मैं कह रहा हूँ सिंस देयर इज अ प्रॉपर सेपरेशन बिटवीन वीडीडी एंड ग्राउंड इन बोथ केसेस चाहे मुझे आउटपुट पे वन आ रहा है जीरो आ रहा है तो सेपरेट हो रहा है प्रॉपरली आउटपुट विद ग्राउंड और सिंस देयर इज अ प्रॉपर सेपरेशन बिटवीन वीडीडी एंड ग्राउंड वीडीडी इज दिस दैट इज योर पॉजिटिव वोल्टेज एंड ग्राउंड एक प्रॉपर सेपरेशन मिल रही है। देयरफॉर
पावर डिसिपेशन, देयरफॉर पावर डिसिपेशन फॉर सीमॉस इज लोवेस्ट अमंग ऑल लॉजिक फैमिलीज. देयरफॉर पावर डिसिपेशन इन सीमॉस इज लोवेस्ट अमंग ऑल लॉजिक फैमिलीज. एप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखिए इसका, पावर डिसिपेशन जो होती है एप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है इसका 0.01 मिलीवॉट, 0.01 मिलीवॉट. Propagation delay PP is approximately equal to 70 nanoseconds. Figure of Mill, ये parameter है आपका, is 0.7. Fan out is approximately equal to 50, which is a big number. अच्छा, लेकिन जो ये मेरे यहाँ पे power distribution इसको आप लिखेंगे bracket में static. ये जो power distribution मैंने mention की static power distribution. Static क्या होता है यार? Static पावर डिसिपेशन एक्चुअली टू टाइप्स की होती है, ये भी आप लिख लीजिएगा. पावर डिसिपेशन एक्चुअली टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक. स्टैटिक पावर डिसिपेशन मींस जब आपका सर्किट को कोई इनपुट नहीं जा रहा है, वो बिल्कुल रुका हुआ है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन पावर सप्लाई कनेक्टेड है. योर सर्किट इज स्टैटिक बाय द नेचर ऑफ ऑपरेशन, इट इज नॉट डूइंग सम ऑपरेशन बट इट इज एक्टिव, मतलब एक्टिव इसको सप्लाई जा रही है. So this condition is called as static power dissipation. उस time जो भी आपका power consume होगा, वो static power dissipation कहलाएगा. There is another power dissipation known as dynamic power dissipation. ठीक है? Dynamic power dissipation जो होती है, सिर्फ P को चुनते हैं. हाँ. वही कुछ है. Dynamic power dissipation. यहाँ पे लिखा है dy, that is dynamic. इसकी एक फॉर्मूला यूज होती है, कैपेसिटेंस इनटू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इनटू वीडीटी स्क्वायर. जस्ट टेल यू दैट दिस डायनेमिक पावर डिसिपेशन इज अ फंक्शन ऑफ योर कैपेसिटेंस, जो एक कूलम कैपेसिटेंस होगी आपके सर्किट की, योर फ्रीक्वेंसी एफ एंड योर पीटी. ठीक है, ये अपने पॉइंट्स को भी नोट डाउन कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. अच्छा, आपने ऑब्जेक्ट लिए, आप मैंने आपको एक इन्वर्टर बना के दिखाया है, ठीक? क्या यू थिंक नैंड गेट यूजिंग दिस? मुझे वाई एन इक्वल टू ए डॉट बी बार, क्या आप नैंड गेट बना सकते हैं यूजिंग सीमॉस लॉजिक फैमिली? पहले बताइए CMOS के इन्वर्टर में कितने ट्रांजिस्टर लग रहे हैं? दो, that means double हो रहा है. NMOS के NAND गेट में कितने ट्रांजिस्टर लग रहे हैं? CMOS के NAND गेट में कितने ट्रांजिस्टर लगेंगे? चार. क्यों? क्योंकि दो आपके PMOS लगेंगे, दो आपके NMOS लगेंगे. तो खैर ये वाला स्ट्रक्चर तो सेम है एज इट इज, लेकिन जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो इसका कंप्लीमेंट है, वो इसका कंप्लीमेंट है. मतलब अगर ये एन है दोनों और ये एन मॉसेस के बने, ये पी मॉसेस के बने, ये और ये ऑल है ना, ये दो ट्रांजिस्टर्स आर नथिंग बट दे आर इलेक्ट्रिक स्विचेस. दीस ऑल ट्रांजिस्टर्स आर नथिंग बट दे आर स्विचेस. So if these two switches are series, the above two switches in
the CMOS family have to be parallels. Likewise, if there was another switch like this in parallel with this series combination, this switch has to be converted in series with this parallel combination. आपको समझ आया? देखो ये तो सीरीज है, इसकी मैंने पैरेलल में कहा आपको छोड़ दो, तो ये सीरीज कन्वर्ट हो गया इन पैरेलल, और ये पैरेलल कन्वर्ट हो गया इन सीरीज। आ समझ गए? राइट गाइस, मैंने इनको ए दिया यहां पे, बी दिया यहां पे, और यही ए दिया इसको भी, यही बी दिया इसको, जो आउटपुट कहां से लेना है इन दो सीरीज के बीच में, दैट इज एयर। सो वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इस यू कैन रिमेंबर दिस कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड बाय दिस, जो भी फंक्शन आप यहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं पुल डाउन बाय इस वाले नेटवर्क को बोलते हैं पुल अप नेटवर्क, PUN, क्योंकि इसका काम ये होता है, ये याद रखो, ये मैं वाया भी पूछ सकता हूं, एक CMOS लॉजिक फैमिली के लिए इस वाले नेटवर्क को कहते हैं पुल अप नेटवर्क, क्योंकि इसका काम होता है आउटपुट को पुल अप करना टू लॉजिक 1, होता है यार गेन होते रहे तक यूज क्या होगा इनपुट नहीं है क्या ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट आउटपुट को पुल अप करता है। अच्छा इधर जो लगा होता है इस पॉइंट के नीचे नीचे ग्राउंड पर उस वाले को बोलते हैं क्या बोलते होंगे मान सर पुल डाउन नेटवर्क। इसका नाम क्या होता है यार आउटपुट को पुल डाउन करना टू लॉजिक जीरो, ठीक है। अच्छा अब कॉम्प्लीमेंट्री के लिए एक और लॉजिक देखिए, अगर आपको लगता है कि हमें रुकना चाहिए आप बताइएगा मुझे, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड के लिए एक और लॉजिक समझिए, दैट इज जो आप यहां पे पुल डाउन नेटवर्क में आपने जो भी फंक्शन इंप्लीमेंट की होगी ये किसकी फंक्शन सीरीज वाले गेट्स में होते हैं, एंड जो भी आप पुल डाउन में फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमेशा, आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब अगर आप यहां पे एड करेंगे तो आपको नैंड मिलेगा, अगर आप यहां पे और वाले अरेंजमेंट के स्विचेस को लगाएंगे तो आपको नॉर मिलेगा, अगर आप नॉर वाले अरेंजमेंट में लगाएंगे तो आपको और मिलेगा, अगर आप एक्स और अरेंजमेंट में लगाएंगे तो आपको एक्स नॉर कनेक्शन मिलेगा। खैर लेकिन ये वाला जो है this is complementary to this and the output will be the complement of this function that we try to implement here using switches, ठीक है। So इसी तरह से आप इसमें आप एक छोटा सा assignment आप लिखिएगा आपने लिए, ये तो आपने NAND gate देख लिया, आप एक NOR gate बना दीजिएगा अपने लिए for your own notes, ठीक है। So apart from this there are many other benefits जो मैंने आपको बोले कि CMOS logic family पे आपके पास पावर डिसिपेशन है बहुत कम है, ठीक। आईसी फैब्रिकेशन के लिए ये मोस्टली यूज होता है करंटली, तो CMOS पे एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल जाता है, बल्कि एक पूरा सब्जेक्ट खुल जाएगा आपको जस्ट इस टॉपिक की वजह से। सो आई जस्ट वांटेड टू सो अ सीड हियर इन द सेमेस्टर सो दैट यू गेट बैक टू दिस टॉपिक इन फ्यूचर व्हेन यू नीड मेबी योर एनालॉग और योर वीएलएसआई डिजाइन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वी कैन लीव यू।